धन इंडिया। Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. Monica, बेटा मैं काम में फंस गई हूँ, तुम रात को कुह के यहाँ रुक जाना, अपना ख्याल रखना बेटा, बाय। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आधे घंटे में मेरे घर आ जाओ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक माँ जिसे अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार है, उसे एक ऐसा कदम उठाना पड़ा। हाथ में चाकू लिए ये औरत क्या अपनी आत्मरक्षा करने के लिए ऐसा कर रही है या अपनी बेटी की जान बचाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। गाइस, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ लेक्चर्स बंक कर रहे हैं यार। प्लीज वन लास्ट टाइम, आई स्वेयर। ओके ओके ओके, बंपिंग। एक्सक्यूज मी, हियर इज अ फ्री कूपन फॉर अ गॉर्जियस लुकिंग गर्ल लाइक योरसेल्फ। सॉरी, जस्ट किडिंग। एक्चुअली ये कूपन्स ना हमारे कॉफी शॉप वाले दे रहे हैं, सो आई विल सी यू देयर। देखा, उस बोरिंग लेक्चर से अच्छी तो ये कॉफी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस कॉफी वाले ने जो तुझे मिस वर्ल्ड बना दिया है। सच यार, मेरा तो सर ही दुख गया वो 3 घंटे की पकाऊ मीटिंग के बाद। और कितनी गर्मी है ना। मैं कोल्ड कॉफी लूंगी, तू क्या लेगी? मैं भी कोल्ड कॉफी। टू कोल्ड कॉफीज प्लीज टेक अवे। तभी तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। ये इस एरिया की ना सबसे फेमस और हैपनिंग कॉफी शॉप है। देख यहाँ का क्राउड, आई लव इट। सारे यंगस्टर्स ही दिख रहे हैं यार। तो यंग तो तू भी है। जी ना। तू जाकर बैठ, मैं कॉफी लेकर आई। ओके। टू कोल्ड कॉफी फॉर द लेडी। हाउ मच डू आई पे? मैम, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मैम, अगर मैं आप जैसी खूबसूरत लेडी से पैसे लूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, और मुझे जेल जाने का शौक नहीं। सॉरी मैम, आप यहाँ पर आई और हमारे इस कैफेटेरिया की रौनक बढ़ाई, और रौनक बढ़ाने वालों से हम पैसे नहीं लेते। थैंक यू, सी यू सून। चल तेरी कॉफी। वन कॉफी प्लीज, 45 रुपीज। तुझे लड़कियां पटानी थी ना, अब देखना ये ट्रिक हमेशा काम करती है। फॉलो द बॉस। उसने तुझे फ्री में कॉफी दी यार। व्हाट यार? अरे वही लड़का ना जो तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। यू मैड और व्हाट? अब तो इतनी खूबसूरत है तो इसमें क्या शक है? तू अपनी कॉफी पी। पहले कहीं मिले हैं क्या? है ना चीप सी लाइन, इसलिए मैंने तुमसे मिलने के लिए कूपन का आइडिया यूज किया था। यू आर सो फनी डूड। जोकर बना दिया तुमने। नो नो, जस्ट किडिंग। अच्छा आओ, आके बैठो भी। नहीं नहीं, अरे आ जाओ, खाने ही जाऊंगी तुम्हें। पक्का? पक्का बाबा। एक बात बताओ, तुम हर लड़की से ऐसी बात करते हो क्या? हाँ, पर तुम आखरी हो। वैसे कॉफी कैसी लगी तुम्हें? बहुत टेस्टी है। इसे हमारे कॉफी शॉप में कहते हैं लव लैटे, फॉर ब्यूटीफुल लेडीज लाइक यू। अच्छा।
मैं आ रही हूँ, हाँ साथ में डिनर करेंगे, ओके बाय। ये एक चांद के साथ दूसरा चांद कहाँ से आ गया भाई? और ये हुजूर है कौन? तो तीन बार तुम्हें फोन किए जा रहे हैं। है कोई मुझे चाहने वाला? अरे ये बात मैं तो सहलूंगा, पर इसको अटैक आ जाएगा। अरे मेरी रूममेट है बाबा। अपनी रूममेट को बोलो कि तुम्हें भूल जाए। ओके ठीक है बोल दूंगी। अच्छा अभी बाय, गुड नाइट। चांद, हाय चांद। हाय बच्चे। अब तुम आ ही गई हो तो मेरी थोड़ी हेल्प करो। मॉम मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे पता था, आफ्टर ऑल कॉलेज बंक करने में बहुत एनर्जी लगती होगी ना, जाओ मैं खाना लेकर आती हूँ। मॉम आप भी ना। मैम अगर मैं आप जैसी खूबसूरत लेडी से पैसे लूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। क्या सोचकर स्माइल कर रही हो चांद? वो एक्चुअली आज एक आदमी मिला था। इंटरेस्टिंग था? कम ऑन। अच्छा बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? गोइंग ऑन। क्लासेस बंक कर रही हो या अटेंड भी कर रही हो? कम ऑन मॉम, रोज रोज थोड़ी ना मैं क्लासेस बंक करती हूँ। हाँ पर आज किया मैंने। क्यों, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं चांद, कुछ स्पेशल तो नहीं था, पर यू नो व्हाट, आज मैं एक लड़के से मिली और उसने मुझे फ्री कूपन भी दिया कॉफी शॉप का। हम लोगों ने साथ में बैठकर कॉफी पी। इनफैक्ट उसी ने आज मुझे घर तक ड्रॉप भी किया। थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन अभी तुम सिर्फ 20 साल की हो, इन सब चीजों की भी उम्र पड़ी है, और वैसे भी कोई न्यू फ्रेंड बनाने से पहले ना थोड़ा सोचा करो, इतनी जल्दी हर किसी पे भरोसा नहीं करते। ओके चांद चलो करें सैलेड खाओ। थैंक्स किस लिए? ओह मुझ जैसे बोरिंग इंसान से तुम्हें छुटकारा मिल गया इसलिए थैंक्स ना। मुझे पता था यही बात होने वाली, तुम हमेशा ऐसे करती हो। मुझे डर लग रहा है, मुझे जाना चाहिए। अरे बाबा तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? उसके लिए पहले मुझे चांद से पूछना होगा। अच्छा चलो आई एम गेटिंग लेट, गॉट टू गो, ठीक है बाय गुड नाइट। Really very sorry. Mom, वो गूगल का प्रोजेक्ट करते करते ना मैं इतना बिजी हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा मॉम। I'm very sorry. Wow, cake. चलो मॉम हम जल्दी से केक काटते हैं फटाफट। Come, come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear John. Bless you. Yummy. This is sweet. Thank you, Mom. Thank you so much. ये सारे gifts कौन लाया? ये red वाला gift कुहू लाई है। वो yellow वाला नैना। और वो ग्रीन वाला मेरी ऑफिस कलीग नंदिनी लाई है।
तुम थक गई होगी। मोनिका ने पहली बार आज मुझसे झूठ बोला है। चंद्रिका अपनी बेटी के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करती थी। उसे ये जानकर बेहद दुख हुआ कि उसकी बेटी को उससे झूठ कहना पड़ा। दुख तो हुआ, पर वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसे डर था कि उसकी बेटी शायद किसी मुसीबत में फंसने वाली है। क्या चंद्रिका का डर सच साबित होने वाला था? Wow, you just made my day. Looking at the most beautiful lady ever, again. Shut up. मैं मोनिका की मॉम हूँ। मैम, मैं मोनिका को लेके बहुत सीरियस हूँ। मोनिका is really important for me in my life. आप शायद गलत समझे। दो कॉफी ले आओ, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मोनिका के हर फ्रेंड को जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। राहुल, इसके अलावा क्या करते हो यहाँ पे? शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं करस्पोंडेंट से कॉलेज कर रहा हूँ। एक्चुअली फैमिली की हालत ठीक ना होने की वजह से मैंने बहुत ही कम उम्र में जॉब ज्वाइन कर ली थी, और तब से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। चांद, तुम यहाँ राहुल के साथ क्या कर रही हो? मोनिका, मैं नो चांद, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। मोनिका, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी। तुम्हारी मॉम हूं मैं। यू नो व्हाट, जस्ट फॉरगेट इट। मोनिका, एक्सक्यूज मी। क्या है तेरा स्ट्रगल? हाँ, मेरी तरह तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई या कम उम्र में तेरी शादी कर दी गई? हाँ मॉम, जस्ट स्टॉप इट। यू स्टॉप इट। 22 साल की थी मैं जब मेरी लव मैरिज हुई और तू पैदा हुई, और कुछ ही टाइम बाद तेरे डैड एक एक्सीडेंट में पहाड़ टूट पड़ा था मुझ पर। किसी ने हेल्प नहीं की मेरी। कॉरेस्पोंडेंट से खुद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, दिन रात मेहनत की, और तुझे इस लायक बनाया कि तू, और तू निका, मुझे राहुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फैक्ट ही इज अ नाइस गाय। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी तरह तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सहनी पड़े। जो प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ वो तुम कभी नहीं गुजरो। हाँ, तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, अपना करियर सेट कर ले। हाँ बेटा, इन सब चीजों के लिए तो जिंदगी पड़ी है। मॉम, आई एम रियली वेरी सॉरी। You are right. आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, और मैं Mom, I'm sorry. I'm really very sorry. Please forgive me. चांद, I'm sorry, पर मैं आपको चांद बुला सकता हूँ ना? मैं आपको चांद बुला सकता हूँ? Actually, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। आपने उस दिन जो भी बोला सब सही था, एंड आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। आप चाहो तो मैं मोनिका को भी समझा सकता हूँ, एंड आई एम श्योर वो मान जाएगी। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम इस तरह से सोचते हो। इनफैक्ट मोनिका भी घर पर ही है, तुम अंदर आओ, उससे भी बात कर लो। जी। टी और कॉफी? कॉफी। ओके। आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ कॉफी बनाने में। कॉफी के अलावा क्या क्या बना लेते हो? मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं बॉइल्ड एग बहुत बनाता हूँ। बॉइल्ड एग? शक्कर कितनी लोगे? दो चम्मच। ये दो चम्मच तुम्हारे। कॉफी स्ट्रॉन्ग? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक बहुत सुलझे हुए लड़के हो। थैंक यू।
आप भी बहुत अच्छी मॉम। चेयर्स। चेयर्स। टाइम क्या हो गया? 8:30। Oh my God, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। I'll quickly get ready. तुम कॉफी पियो। लेट हो गई हूँ। Oh God. मोनिका, उठो बेटा। तुम आजकल के बच्चे इतना लेट क्यों उठते हो? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग मॉम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका, आई थिंक तुम्हारी चांद जो कह रही है वो सही कह रही है। शी इज राइट। आई थिंक ही इज राइट। ओके, और अब मैं बहुत लेट हो गई हूँ ऑफिस के लिए। मैं निकलती हूँ, तुम्हें तो टाइम लगेगा। ओके, मुझे भी निकलना चाहिए। बाय। तुम भी जल्दी तैयार हो जाना। ओके बच्चे, आई एम वेरी लेट। बाय। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आपको छोड़ दूँ आपके ऑफिस तक? हाँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि बाइक धीरे चलाओगे। आई स्वेयर, डोंट वरी। तुमने तो कहा था कि तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे, फिर अब क्या हुआ? वो क्या है ना, प्लान में थोड़े चेंजेस आए। और तुझे पता है तेरा भाई हमेशा दूर की सोचता है, राइट? लेकिन ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी। मामा, पिक अप द फोन। हेलो चांद, आज रात को मैं कहूँ क्या जा रही हूँ प्रोजेक्ट करने के लिए, तो मैं वही रुकूंगी। ठीक है? ओके, यू टेक केयर एंड बी गुड। बाय बाय, गुड नाइट। अब तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मुझे कुहू के घर जाना है प्रोजेक्ट के लिए, तो ओके मैं भी निकल ही रहा हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। ग्रेट, राइट? या, लेट्स गो। इस टाइम पे कौन आ गया? राहुल, इस वक्त क्या मैं मोनिका से मिल सकता हूँ? मोनिका घर पे नहीं है। एंड तुम इतनी लेट क्यों आए हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मोनिका को तंग नहीं करोगे। दरअसल वो, सॉरी। वेट, तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हो। एक्चुअली इस शहर में मेरा कोई है नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आज मेरा बर्थडे है, पर मेरे साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। हैप्पी बर्थडे। तुम अंदर आओ, हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। कम। हैप्पी बर्थडे टू राहुल। पहले तुम खाओ। थैंक यू। प्लीज मना मत करिएगा। बट आई डोंट, मैं ग्लास लेकर आता हूँ। आई डोंट ड्रिंक। राहुल वो राहुल, तुम अब जाओ, हम फिर किसी तरीके। पक्का? गुड नाइट। मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ओके, मेरा सर भारी हो रहा है। जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शट अप, पहेलियां मत बुझाओ। कल रात को यहाँ क्या हुआ था? तो जवान लोगों के बीच में और क्या होता है जान? बस वही हुआ था। शट अप,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा किया है। सीधे सीधे बोलो तो यहाँ क्या किया था तुमने? मैंने कुछ गलत नहीं किया, आई स्वेयर, पर जो भी हुआ कुछ अलग ही था। पर हमें ना हमें मिलते रहना चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब ना अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ना कोई मुझे रोक सकता है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? Because I love you. पर तुम सोचो, think about it. पर मुझे भी निकलना चाहिए, तुम्हारी बेटी भी आने वाली होगी मोनिका, उससे भी मिलना है ना। पर तुम ना सोचो, और मैं वापस आऊंगा, I will come back. अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ना कोई मुझे रोक सकता है। Because I love you. पर तुम ना सोचो, और मैं वापस आऊंगा, I will come back. Good morning, चांद। मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, मैं फटाफट से फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? I'm coming. हेलो बेबीज, यार मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया है। रियली? अंसी, राहुल अंदर आओ ना, कल रात को प्रोजेक्ट करते करते ना मैं बहुत थक चुकी हूँ। अच्छा? हाँ। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी पूरी रात काम करता रहा, पर मेरे काम में ना मजा बहुत आया। मैं मोनिका से मिलने आया, पर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो। नहीं चांद, राहुल के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाओ ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी हिटलर मॉम ने राहुल को अंदर कैसे आने दिया। I know, right? वो राहुल भी इवनिंग क्लासेस कर रहा है ना, तो प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प कर देगा। ओके, मैं आती हूँ। मेरी हेल्प कर रहे हो ना तुम? ऑफ कोर्स। अब मिल रहे हो? कहाँ? कल रात को तो बड़ी सुंदर लग रही थी, फिर आज क्या हो गया तुमको अचानक से? तुम्हें ना मेरी कोई फिक्र ही नहीं होती, क्यों? चांद, मुझे भूख लगी है। चांद, मुझे भी भूख लगी, नाश्ता दे दो। तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। टाइम दरवाजा बंद कर देना। वो क्या है ना, मेरी आज छुट्टी है। Yes. तो मैं सोच रहा था कि खाना यही खाऊंगा, उसके बाद हम सब लोग मिलके मूवी देखने चलेंगे। Sounds good ना? हाँ, बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, मैं छोटा सा नैप ले लेती हूँ, फिर हम लोग सब साथ में मूवी देखने जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है मूवी देखने की, तुम थकी हुई हो, तुम जाकर रेस्ट करो। मॉम,
आप हमेशा ही ऐसा करती हो. लेट इट बी, ऑलवेज लाइक दिस. और तुम यहां से चले जाओ, समझे? चांद 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 चांद, डोंट यू डेयर टच मी. क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मानती क्यों नहीं हो तुम? अरे तुम्हें ना शुक्रगुजार होना चाहिए. यस, यू शुड बी हैप्पी. इस उम्र में तुम्हें ये सब सुख भोग रहे, ये कोई आम बात नहीं होती है. सोच लो तुम, क्योंकि मैं यहां आना बंद नहीं करूंगा. यहां से चले जाओ, समझे तुम? ओके. बट शाम को मैं वापस आ रहा हूं तुम्हारे लिए, या फिर मोनिका को मूवी दिखाने के लिए. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट द थिएटर, वहां पे बहुत अंधेरा होता है. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. अब मैं रुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं. ना कोई मुझे रोक सकता. शुक्रगुजार होना चाहिए. इस उम्र में तुम्हें ये सब सुख भोगना, ये कोई आम बात नहीं होती है. मैं क्या करूं? मैं तो मर भी नहीं सकती. मामा, पिक अप द फोन. कम ऑन, प्लीज पिक अप. मामा, पिक अप द फोन. कम ऑन, प्लीज पिक अप. मामा, पिक अप द फोन. कम ऑन, प्लीज पिक अप. मोनिका, बेटा मैं काम में फंस गई हूँ. तुम आज रात कुहू के घर पर ही रह जा. अपना ख्याल रखना. बाय. आधे घंटे में मेरे घर आ जाओ. वाह, आज चांद कहाँ से निकला है भाई? दरवाजा भी खुला छोड़ के रखा है. मोनिका को भी बाहर भेज दिया. इरादे क्या हैं तुम्हारे? मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रही हूं. मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, वरना मैं वरना 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 क्या वरना क्या? तुम नहीं तो तुम्हारी बेटी से भग चुका है तुम्हारा ये नाटक, समझे तुम? सब बंद कर दो. वो 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 मैं मार दूंगी. एक दिन में इतनी जान कहां से आ गए तुम्हें? दूर है ना तुम. मैं सचमुच मार दूंगी. मैं मार दूंगी. तुम दूर हो. रिलैक्स, देखो काम डाउन. रिलैक्स, यहां पे किसी को किसी की जान नहीं लेनी. मैं देखो मार दूंगी. बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें. कोई समझते मैं नहीं मार सकती. चंद्रिका से प्यार का दावा करने वाले राहुल ने उसे मारने में जरा सी भी दया नहीं दिखाई और फिर बड़ी बेदर्दी से अपने अमानवीय इरादों के तहत उस मौत को आत्महत्या में बदल दिया. मोनिका उसके इरादों से अनजान थी, उस पर भरोसा करती थी. उसका आगे क्या होगा? क्या वो अपनी मां की मृत्यु का सच कभी जान पाएगी? क्या वो राहुल को बेनकाब कर पाएगी? राहुल का अगला कदम क्या होगा? मोनिका, मोनिका जी एक मिनट आइए. देखिए, हम लोगों ने विस्तार से इस पहलू की जानकारी की और पता यह चला है कि मैडम ने सुसाइड की है.
देखिए अपने आप को संभालिए आप। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं रहकर इस टफ टाइम में मोनिका का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। मोनिका, वैसे तुमने अच्छे से सोच लिया है ना, और वैसे भी तुम कितना जानती हो उसके बारे में? मॉम को राहुल पे पूरा भरोसा था और राहुल बहुत सपोर्टिव है। फिर भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय बाय। मोनिका, क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ तो खा लो। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर मैं हूं ना तुम्हें हिम्मत देने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए। आई एम देयर फॉर यू मोनिका, आई एम देयर फॉर यू। मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इट्स ओके, टेक योर टाइम, मैं हूं तुम्हारे साथ। को शराब से सख्त नफरत थी, उन्होंने कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाया था शराब को, तो फिर ये बोतल मेरे घर में कहां से आई? मोनिका, मैंने सुना था कि कुछ लोग जब बहुत डिप्रेस्ड होते हैं या अकेले पड़ जाते हैं, वो लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, वो लोग शराब पीने लग जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट शायद तुम्हारी मॉम भी। मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। मोनिका, तुम्हारी मॉम के बहुत सारे सीक्रेट्स थे, हो सकता है शराब पीना भी उनमें से एक सीक्रेट ही हो। एक मिनट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अभी मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, शायद तुम मेरी बातों का विश्वास बिल्कुल ना करो, पर मोनिका, असल में बात यह है कि तुम्हारी मॉम ने, चांद ने, शी ट्राई टू गेट इंटीमेट विद मी, मुझसे इंटीमेट होने की कोशिश करी उसने। मोनिका, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आई वॉज लाइक सो शॉक्ड एकदम से, लाइक मुझे रिएक्ट कैसे करूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मोनिका, मैं करना क्या चाहती हो तुम? बॉटल, ये सुसाइड था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकती, और इसका प्रूफ इस बॉटल में है। मोनिका, एंड लिसन ओके, मेरे मॉम के खिलाफ एक भी गलत बात मत बोल, क्योंकि वो ऐसी लेडी बिल्कुल नहीं। मोनिका, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझे रोकने की कोशिश? हाय। हाय, कौन है ना? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना होगा। मुझे ये शराब की बोतल मिली है किचन में, लेकिन मॉम कभी शराब पीती नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल कम, लेट गो फास्ट, कम।
राहुल का फोन? मैंने सुना था कि कुछ लोग जब बहुत डिप्रेस्ड होते हैं या अकेले पड़ जाते हैं वो लोग शराब पीने लग जाते हैं। मोनिका, तुम्हारी मॉम के बहुत सारे सीक्रेट्स थे, हो सकता है शराब पीना भी उनमें से एक सीक्रेट ही हो। मोनिका, तूने उसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? अरे तुम्हें पता ना मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना? तो तुम तो पहले भी घर आई थी। मैं कब घर आई थी? कब? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला मोनिका? अच्छा ये राहुल, तुम ना बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बस मैं एटीएम गई थी पैसे निकालने और फिर मुझे कुछ एहसास हुआ। समझे भोंडू राम क्या? चलो आओ मेरे साथ, आओ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? चलो कुछ दिखाना है तो काम का। चलो ना राहुल आओ। वो सामने एटीएम का कैमरा दिख रहा है? वो मैं उस कैमरे की फुटेज चेक करने गई थी कि उस रात कौन आया था। भोंडू राम, मेरी मॉम कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती है। भोंडूराम 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 क्या लगा रखा है तुमने? भोंडूराम लगता मैं तुम्हें? भोंडूराम क्यों बुलाती मुझे? जब कोई बहुत इनोसेंट होता है ना तो मैं उसे प्यार से भोंडूराम बुलाती हूँ। समझे भोंडूराम? अच्छा चलो घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चले अब ना, अब बहुत हो गया। अब आई कांट वेट या मोनिका। हम लोग ऐसा करते ना, हम लोग ये घर बेच देते और शादी कर लेते मोनिका। शादी करके हम लोग अपनी नई दुनिया बसाएंगे जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हमेशा खुश। मोनिका भोंडूराम, इसका भी टाइम आएगा। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया मोनिका? क्या कर रही थी मेरे फोन के साथ? क्या कर रही थी मेरे फोन के साथ? कितनी बार बोला तेरे को? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हारी माँ ने सुसाइड किया। सुसाइड? समझ में नहीं आती तुम्हें बात? दरवाजा खोलो पुलिस। अरे तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सब क्या चल रहा है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों के बीच में बस सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मोनिका बताओ ना इनको। मोनिका मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे मुझे भोंडूराम मत बुलाए। इसी ने मेरी मॉम को मारा है। अरे मैं इसकी मॉम को क्यों मारूंगा? भोंडूराम हम लड़कियों का कोड है। जब हम लड़कियां मुसीबत में होती है ना तो
तो बूंदूराम कोड का इस्तेमाल करती है। देखिए सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि राहुल चंद्रिका के मर्डर वाले दिन यहाँ आया। सारे लड़के बूंदूराम होते, इसीलिए हम लोगों ने कोड वर्ड बनाया था हमारी सेफ्टी के लिए, और हम दोनों ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। बूंदूराम लगता मैं तुम्हें? जब कोई बहुत इनोसेंट होता है ना, तो मैं उसे प्यार से बूंदूराम बुलाती हूँ। समझे बूंदूराम? चलो ले चलो इसको। राहुल को चंद्रिका के साथ जबरदस्ती करने और उसके कत्ल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 193, 302, 342, 354, 375 और 376 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राहुल जैसे लोग अपनी हवस को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हम दाद देना चाहते हैं मोनिका की समझदारी की, उसकी हिम्मत की। उसने दिन रात एक करके एक कातिल को कानून की सलाखों के पीछे पहुंचाया। हौसला अगर बुलंद हो तो कमजोर से कमजोर मजलूम भी जालिम को धूल चटा सकता है। आइए मिलकर इस कहानी से प्रेरणा लें और अपराध और अपराधियों को धूल चटा दें। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।